भोपाल में आयुर्वेद प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी की जयंती के मौके पर आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद प्रथम वर्ष प्रथम बैच के करीब 60 छात्रों का शिष्योपनयन संस्कार समारोह हुआ और कार्यक्रम की शुरुआत आरकेडीएफ ग्रुप चेयरमैन और फाउंडर सुनील कपूर के मुख्य आतिथ्य में हुई। कार्यक्रम में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर, प्रत्येक कुलाधिपति सिद्धार्थ कपूर विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रांगण में सभी अतिथियों ने पौधारोपण कर प्रकृति को संरक्षित करने का संकल्प लिया। देखिए एक रिपोर्ट। आरकेडी विश्वविद्यालय में भव्य आयोजन, आयुर्वेद दिवस पर भव्य आयोजन, 60 छात्रों का शिष्योपनयन संस्कार समारोह, प्रकृति को संरक्षित करने का लिया संकल्प, आयुर्वेद विज्ञान पर जागरूकता आज की आवश्यकता। डॉक्टर सुनील कपूर। भगवान धन्वंतरी की जयंती के मौके पर आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान विशेष मुहूर्त में सुबह से ही भगवान धन्वंतरी की पूजन अर्चन यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया। आयुर्वेद के जन्मदाता भारत के थे, साथ ही आयुर्वेद कॉलेज एंड मेडिकल साइंसेज के प्रथम वर्ष प्रथम बैच के तकरीबन 60 छात्रों का शिष्योपनयन संस्कार समारोह हुआ। इस दौरान आरकेडीएफ ग्रुप चेयरमैन और फाउंडर सुनील कपूर ने कहा कि आयुर्वेद के जन्मदाता भारत के थे। आयुर्वेद विज्ञान जैसी शास्त्रों रामायण में थी, वैसे ही लोगों को बताना और उन्हें जागरूक करना आज की आवश्यकता है। वही कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वार्ष्णेय ने कहा कि धन्वंतरी दिवस सिर्फ दिवस भर नहीं बल्कि विभिन्न नामों विभिन्न पद्धतियों का संपूर्ण ज्ञान है। चिकित्सा विज्ञान में पैथी कोई भी हो, सभी पैथियों का नेचुरल रिसोर्स आयुर्वेद ही है। साथ ही शिष्योपनयन संस्कार हर विद्यार्थी के मन का संकल्प है। आयुर्वेदिक सबसे पहले जो शुरू की गई चिकित्सा पद्धति है, उसके बाद बाकी पद्धतियाँ आईं। मैं कई बार जब विदेश जाता हूँ, जैसे ऑस्ट्रिया गया हूँ या जर्मनी जाता हूँ, वहाँ आयुर्वेदिक दवाइयों से दवाई की जाती है, वो अपने नाम से वो वहाँ करते हैं। ये शिक्षा का मूल मंत्र है, चिकित्सा शिक्षा का, और इसी को आगे हमें बढ़ाना है। फाइनल चिकित्सा आयुर्वेद से होगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि हमारे सामने भी लिखा है कि शिष्योपनयन संस्कार है, किसी भी विद्यार्थी का शिष्योपनयन जब भी होता है, या विद्यार्थी नहीं भी है, सामान्य जीवन में भी है, जब उसका उपनयन संस्कार होता है तो एक सर्टेन एज के बाद होता है, एकदम प्रारंभ में नहीं होता। कि जब विद्यार्थी कुछ कुछ समझने लगता है, विषय को जानता है, प्रिलिमिनरी नॉलेज हो जाती है, तब उसके लिए यह संस्कार का कार्यक्रम रहता है कि वह पूरे विषय को गहराई से समझे, उसका विजन एक दूरदर्शी हो, वह एक सुव्यवस्थित पद्धति से अपने जीवन में बढ़ सके, और यह संस्कार यद्यपि प्रतीकात्मक होता है लेकिन एक हर विद्यार्थी के मन का संकल्प होता है कि वह जीवन में आने वाले भविष्य में वह उसी दिशा में व्यवस्थित रीति से आगे बढ़ता रहेगा। इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुई आरकेडीएफ विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर साधना कपूर ने धनतेरस पर्व पर प्रकाश डाला और सभी के निरोगी रहने की कामना की। वहीं राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के सचिव डॉक्टर संजय गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार ने सन 2047 तक जय जवान जय किसान जय अनुसंधान के रोडमैप पर काम कर रही है। साथ ही भारत सरकार ने हर दिन आयुर्वेद हर घर आयुर्वेद नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। आयुर्वेद चिकित्सा का पहला विश्वविद्यालय वाराणसी में खोला गया था, जिसके प्रधानाचार्य महान चिकित्सा शास्त्री सुश्रुत जी को बनाया गया था।
भगवान धन्वंतरी की साधना के लिए एक साधारण मंत्र है, ओम धन्वंतरे नमः। और आज तो हमारे बीच आयुष के भाग्य विधाता डॉक्टर अशोक कुमार वाष्णेय जी हैं, जो इस देश को आयुर्वेद के यूनानी सिद्धि होम्योपैथी को नई दिशा देने के लिए तत्पर हैं। 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी और सामाजिक संस्थाएं, आरोग्य भारती एवं अन्य एज इंडिविजुअल भी सबकी इसमें भूमिका हो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों, ये जिस तरह से चला है और इसमें जो एक जन आंदोलन, जन भागीदारी का कॉन्सेप्ट, जन परिवर्तन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने के मार्गदर्शन में जो विभाग ने उठाया है, आप इस साल का देखेंगे कैसे इसमें लोगों को इन्वॉल्व किया है। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है, यदि कोई नहीं देखा है तो आप साइट को विजिट करिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। ये अगली साल भी अवसर आने वाला है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। आयुर्वेद को सभी चिकित्सा क्षेत्रों की जननी कहा जाता है। एक और जहां केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को लेकर लगातार लोगों में जन जागरूकता अभियान और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में जुटी है, वहीं इस आयोजन से आरकेडीएफ ग्रुप ने अपनी न सिर्फ शैक्षणिक बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कुमार संदीप की रिपोर्ट। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का संपूर्ण ज्ञान आयुर्वेद में है। चिकित्सा विज्ञान में पैथी कोई भी हो, लेकिन पैथियों का नेचुरल रिसोर्स आयुर्वेद ही है। साथ ही हर दिन आयुर्वेद हर घर आयुर्वेद भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कदम है, ये कहना है आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक वाष्णेय का। वे धन्वंतरी के जयंती के मौके पर आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस समारोह में शिरकत करने भोपाल पहुंचे थे। डॉक्टर अशोक वाष्णेय से बात की संवाददाता कुमार संदीप ने। सुखम संपदाम, आज राष्ट्रीय जो आयुर्वेद दिवस है उसको लेकर आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में शिष्योपनयन संस्कार हुआ है, और हमारे साथ जो शख्सियत हैं आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक वाष्णेय जी। सर, किस तरह का आज देखते हैं आप आयुर्वेदिक दिवस को? आयुर्वेद को जन सामान्य में पहुँचाना राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस या आयुर्वेदिक दिवस का उद्देश्य है। आयुर्वेद के व्यक्ति जिस विषय को पढ़ते हैं वह समाज में कैसे अप्लाई होता है, जिससे कि उनको उसका एप्लीकेशन ध्यान में आए, और जन सामान्य जो काम करता है स्वास्थ्य की दृष्टि से उसमें कहां कहां पर आयुर्वेद इन्वॉल्व है। जो काम तो करते हैं सहज रीति से, लेकिन आयुर्वेद कहां इन्वॉल्व है इसकी जानकारी उनको होती है। और इसीलिए ये जो आयुर्वेद दिवस है ये एक ब्रिज करता है कि हमारे पास जो स्वास्थ्य का विज्ञान है वह शास्त्र सम्मत है, प्रामाणिक है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। और इसलिए आयुर्वेद दिवस की थीम ही उसी प्रकार से रखी जाती है। पिछले वर्ष आयुर्वेद फॉर पोषण, पोषण हर व्यक्ति को चाहिए, तो लोगों को ध्यान में आया। इस बार हर दिन हर घर आयुर्वेद का थीम ही यही था कि घर में उपलब्ध जो मसाले हैं, हमारे जो औषधीय पौधे हैं और जो वस्तुएं हैं वे हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभकारी हैं, और आयुर्वेद इसमें कहाँ इन्वॉल्व होता है और हम क्या कर सकते हैं। सर, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाया, ओम श्री हरि अब डॉक्टर्स लिखेंगे, इस कदम को कैसे? मातृभाषा में पढ़ाई होना ये महत्व, कोई बच्चा घर में जो भाषा बोली जाती है उसका ही प्रयोग करे, कोई भी डॉक्टर मरीज को डील करेगा तो स्थानीय भाषा में ही डील करेगा। और इसलिए अगर विद्यार्थी उसी भाषा में पढ़ते हैं तो उनको अधिक सुविधा होगी अपने विषय को समझने में। बात की जाए तो आयुर्वेद दिवस को जो महत्ता इसकी है और महती भूमिका स्वास्थ्य में है, इसको भी सराहने का काम किया है। कैमरा पर्सन रोहित स्पेंसर के साथ संदीप कुमार, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।